जो टू व्हीलर नहीं चला पाते हैं, ये गाड़ी सबसे बेस्ट उनके लिए है। और बैक गियर भी लगता है, फ्रंट गियर भी लगता है। इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बैक गियर है। जिस तरह से वो आगे लेके गए हैं, अब देखिए ये पीछे लेके आ रहे हैं इस गाड़ी को, क्या बात है। इस गाड़ी में बैक गियर भी लगा हुआ है भाई। ये हमें भी चलाने को मिलेगा क्या? अच्छा दीजिए, हम भी ट्राई करते हैं भाई। 12-13 हजार रुपए में ये गाड़ी बन के तैयार हुई, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी गाड़ी है और मजा आ रहा है चलाने में। कैसा लगा सर? सबसे बड़ी बात कि इसमें बैक गियर भी है और एक नंबर की गाड़ी बनी है ये, और बैक गियर की वजह से इसका लुक और बढ़ जाता है। अच्छा अभी इसमें पूरा लगेगा, आगे की व्यवस्था होगी। इसमें भी 2000 रुपये से खर्चा है, 2-3 हजार रुपए का। अभी इसमें 2-3 हजार रुपए और अगर लग गए, ये गाड़ी बन के तैयार हो जाएगी। फोर व्हीलर टू व्हीलर जो टू व्हीलर नहीं चला पाते हैं, ये गाड़ी सबसे बेस्ट उनके लिए है। और बैक गियर भी लगता है, फ्रंट गियर भी लगता है। अच्छा ये बताइए कब तक इसको फाइनल कर देंगे आप? बस बनने के लिए सारा आइटम पड़ा हुआ है। अच्छा 15 दिन के अंदर कम्प्लीट। 15 दिन के अंदर कम्प्लीट। अच्छा 12-13 हजार रुपए लगे हैं और ये हम कानपुर यानी कि दिल्ली टू कलकत्ता हाईवे पे खड़े हैं और भाई साहब लेके जा रहे थे, तो हमने सोचा कि बना के दिखाते हैं। क्या गजब की गाड़ी है। कानपुर के शेर ने बनाया बब्बर शेर। ये देखिए, ये है फोर व्हीलर कम टू व्हीलर गाड़ी। देखने में ये फोर व्हीलर तो लग रहा है लेकिन ये टू व्हीलर है। और ये इसमें आगे और पीछे दो गियर लगते हैं और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली जाती है। और ख़ास बात इसकी ये है कि 12 हजार रुपये में केवल ये गाड़ी कंप्लीट हुआ है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये 70 किलोमीटर की माइलेज देती है। 70 किलोमीटर की माइलेज देना बहुत बड़ी बात है।